गाइस जी, हमारे घर का हाल सब सोए हुए थे, सडनली हमारे साथ एक हादसा हुआ है। छत गिर, ये चक्कर हमारी छत गिर गई। वो जो हुआ तो हुआ, अब ये मेरे नाम से बड़ी मुसीबत है। बस मानू ठीक है, हम इसके साथ खेलने लगे हैं गेम। एक ऐसे कोई से तीन फ्रूट्स के नेम। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एलिफेंट, कौन सा, ए फॉर अमरूद। मुझे कोई ऐसे कोई से तीन जानवर बताओ। अंडे देते हैं मुर्गी, कबूतर, अच्छा इंसान। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मरियम खान की दुनिया। आज का दिन हो गया अभी स्टार्ट। ये है जी मेरा ड्रेस, कम्फी कम्फी सा, ठीक है। अभी जब मैं शॉपिंग पे गई थी ना, तब मैंने भी लिया था। तो भाई साहब, अब भी मैं हो गई हूँ रेडी। आज हम बनाने लगे हैं बिरयानी। जली ना तेरी भी जली ना। तो उसके अलावा आज कज़न आएगी, ठीक है। तो वो आएगी तो बहादुर हमें ईदी देंगे, क्योंकि हमने कहा था कि जब तक वो नहीं आती हमने आपसे ईदी नहीं ली। तो इसलिए मेरे अबू ने अभी तक ईदी नहीं दी। देनी है भाई, देनी है, मैं खुद अभी रोक के रखा हुआ उन्हें। तो ज़रा आवाज आ जाए फिर बब्बा से लेंगे ईदी। और इस दफ़ा ईद की हमने कर लेनी है शॉपिंग ढेर सारी। अब हम शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग, बस वायरत की बस शॉपिंग ही घूमेगी। तो खैर, अभी फटाफट हम अपनी बिरयानी का इंतज़ाम करते हैं, ठीक है। 5 बज चुके हैं, 8 बजे तक बिरयानी रेडी करनी है। आहिस्ता 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 लगे रहेंगे तो बिरयानी रेडी हो ही जाएगी। उससे पहले ज़रा हम अपने कमरे को चमका लें। हेलो गाइस, ये देखो, तो मैंने अपनी मेहंदी लगवाई। ये देखो, ये मैंने बनवाई है 2 तोते की चिड़ियाँ। आई डोंट नो, अभी मेरी फिंगर्स फिट होने वाली रहती हैं। और उसके साथ ये देखो, ये बना है मेरा मिनी माउस। हाँ से देखो, ये देखो, आज मैंने मेहंदी लगाई है। और बिरयानी ऑलमोस्ट बन चुकी है और मैं खा रही हूँ ये लेफ्ट ओवर जो राइस है वो। कोज भाई, ये तो मुझे चाहिए ही होते हैं। तो ये रही मेरी मेहंदी, और ये वाली भी मैंने डार्क करवा दी थी रात को, ये बहुत ज़्यादा लाइट हो गई थी, ठीक है। ये लो भाई, जनाब ये फिर से मार खा के आए, पता नहीं ये बाहर लड़ने जाता है कि मार खाने जाता है, चेक करो। फिर से इंजर्ड हो गया, अभी इसका हमने ऑपरेशन किया है सबने मिलके, मेडिसिन दे दी है, इसको इंजेक्शन इसके लग गए। अभी यहाँ पे बैठे हैं, जब आज उसके मुंह पे भी चोट लगी, ये नहीं हटता भाई, इसको बचाना मुश्किल नहीं नामुमकिन होता जा रहा है। खैर, हमारा ईद के सारे दिन यूँ ही गुजर गए हैं और अब मैं बैठ के पीने लगी हूँ कॉक। गाइस जी, हमारे घर का हाल, ये हालत चेक करें यार, यहाँ पता क्या हुआ अभी। और अभी टाइम सुबह के 7 बजे है, ठीक है। सब सोए हुए थे, सडनली हमारे साथ एक हादसा हुआ है। छत गिर, ये चक्कर हमारी छत गिर गई। हाँ, बदतमीज है, हमारे घर की छत, कमरे की मतलब छत गिर गया है। शुक्र है कि बच गया है, किसी का नुकसान नहीं हुआ, मतलब जो हुआ वो हुआ। ये हालत चेक करें, अच्छी बुरी मैं सो रही थी, इतनी मुश्किल से हुई थी मैं, 6 बजे 7 बजे ये सारा कुछ तांडव हो गया। वो जो हुआ तो हुआ, अब ये समेटना सबसे बड़ी मुसीबत है। झाड़ू ओके, तो आज हमारे पास मानू ठीक है, हम इसके साथ खेलने लगे हैं गेम एक। चलिए शुरू कर। मैंने मेरा इवन पंखा बंद कर दोगी? नो, वो फिर पंखे की बात आएगी बीच में। मानू इस वक्त बिरयानी खा रहा है, वो पंखा बंद करना। बोटी एक भी आ रही। बोटी बोटी को इग्नोर करें। अच्छा, तो मानु गेम ये है, पहले मुझे बताओ कि आपका नाम क्या है। अब्दुलरहमान। अब गेम ये है कि आपका जो नेम का फर्स्ट लेटर है ना, उससे आपने मुझे कोई से 3 कंट्री के नेम बताने हैं 10 सेकंड्स के अंदर। 3? हाँ, मैं 10 तक काउंट करूँगी, आपने सोचो। 1, 2, 3 नो, 4, 5, 6 आपके नाम के पहले लेटर से बनती हूँ, जैसे आपका नाम है अब्दुलरहमान, तो ए से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ए से कोई 3 बताने हैं, ठीक है, समझ आ गई? अब चलो, अच्छा फ्रूट्स के नेम, ए से कोई से 3 फ्रूट्स के नेम। एप्पल, शाबाश बेटा, बहुत
पड़े। आगे क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। एपल एलिफेंट कौन सा कौन से स्कूल में पढ़ता है? टेन रोगे ए फोर बता रहा था, ई फोर एलिफेंट, ए फोर अमरूद। पहले भी इसको खाने देते विदाउट बोटी बिरयानी खा रहा है, तो बोटियाँ बहुत पस रही है। चलो अब खा लिया इसने, खाना पीना इसका हो गया खत्म, अब हम इसे पूछते हैं कुछ और। अच्छा कोई से तीन ऐसे एनिमल्स के नेम बताओ जो पानी में रहते हैं। पानी में डड्डू डड्डू कछुआ। ओके चलो अब मुझे कोई ऐसे कोई से तीन जानवर बताओ जिन झुंडे देते हैं। मुर्गी कबूतर। अच्छा इंसान। इंसान कौन? बड़ा हरामी हो बेटा। इंसान कौन से अंडे देते हैं? मुर्गी देते हैं, कबूतर देते हैं, मुर्गी देते हैं। अच्छा ठीक है, कोई से तीन ऐसे जानवर बताओ जिनका गोश्त खाना हलाल है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये तो आपकी मरियम की अम्मी आ गई। चलो ताब चादर ली बैठी हुई। चल कोई से तीन ऐसे जानवर बताओ जिनका गोश्त खाना हलाल है। मज बच्चा इकट्ठा नहीं होता, एक चीज का खाते हैं। तीन चीज होता है। गोश्त खा सके। मुर्गी का खा लो, भैंस का खा लो, शुतुरमुर्ग का खा लो। शुतुरमुर्ग का कौन गोश्त खाता है? क्या हो गया खाते हैं? कुछ भी, बकरे का और बेड़े का, मुर्गी कबूतर है। तू खाता होगा कबूतर का गोश्त? चल पागल, खरगोश का तो देखा ही, कबूतर का कहाँ से आ गया? किस किसने कबूतर का गोश्त खाया है इधर? था लाल और हरा। अच्छा मानू हमारी छत गिरी, इसके ऊपर आपका कोई रिएक्शन? जा देख क्या 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 कहना चाहते हो है? हमारी छत गिरी, क्या कहना चाहते हो? कुछ नहीं, ठीक करा दो। हमारी शादी भी बनेगा, ये महल से पहले ये महल तामीर नहीं होगा। चलो ओके मानू बाय बाय कर दो। बाय, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मानु ऐसे करके मार। ओके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ड्रम ऐसे करके मार। ओके जिंदा मुंह करके वो। ओके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, हार्ड करके। हाँ ओके गाइस, तो ये था जी आज का व्लॉग। ठीक है आज कुछ मतलब आज क्या पिछले तीन दिन से कुछ खासा करने को नहीं था, क्योंकि ना समटाइम्स इंसान ऐसा होता है कि एक फेज में होता है जहाँ ना उसका कुछ फिजिकली सुकून हो रहा होता ना मेंटली। तो मेरा आजकल लाइफ में ये कुछ चल रहा है, मेरे को ना बस कुछ डिस्टर्बेंस हैं, तो उसकी वजह से ना मुझे मेंटली सुकून मिल रहा है, फिजिकली तो खैर है ही नहीं। मेरे ना शोल्डर पुल हो गया, तो उसकी वजह से ना मेरा बहुत बैक में पेन है, मतलब शोल्डर की बैक साइड पे, तो इसलिए भी मेरा कुछ मतलब रिकॉर्ड करने को दिल नहीं किया। तो फिर मैंने मानू को बैठा दिया कि चल कुछ ना कुछ तो व्लॉग निकालना, एटलीस्ट 8-10 मिनट का तो व्लॉग मेरा पूरा हो। तो खैर हमारे कमरे की आपने देखा छत गिर गई। ठीक है असल में वो जो सीलिंग है ना वो ही हुई है, दूसरी जो हार्ड बोर्ड वगैरह टाइप की होती है ना वो, पहले उसका ट्रेंड था तो वो करवा ली थी, तो अब वो पानी पड़ते पड़ते छत पे से वो गिर गई। तो शुक्र है कि कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये है कि छत तो गिर गई हमारी। तो खैर आपसे मिलेंगे हम नए ब्लॉग में, ठीक है जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना, और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, इंस्टाग्राम है उसको भी जाकर फॉलो ज़रूर कर देना। आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।